नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खैरलांजी जनपद पंचायत खैरलांजी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भौरगढ़ की कुछ महिलाएं लक्ष्मी लेल्हारे, सत्यशिला मस्खरे, सुनंदा पाटिल, पंचवटी लेल्हारे एवं अन्य सभी ने 4 सितंबर को जनपद सीईओ से अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि कई वर्षों से हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है एवं बताया कि एक सप्ताह पूर्व आई बाढ़ से हमारे द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा मकान क्षतिग्रस्त होकर धराशाही हो गए एवं कुछ सामान बाढ़ में बह गए। वर्तमान में उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ शरण लेकर रह रहे हैं, तो कोई तंबू गाड़कर तो कोई खुले आसमान के नीचे अपने सामान के साथ रहने को मजबूर है। महिलाओं की शिकायत है कि जब इसकी जानकारी स्थानीय पटवारी को दी गई तो पटवारी ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मरो या बचो मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं ग्राम भौरगढ़ से सत्यशिला मस्खरे ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पिछले 10 वर्षों से भौरगढ़ में निवासरत हैं, किंतु उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया गया है। सत्यशिला रोड किनारे एक झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहती हैं। सत्यशिला बताती हैं कि वह अपनी व्यथा लेकर पटवारी द्वारा धमकी दी गई कि जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो वरना झोपड़ी उठाकर फेंक दूंगा। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर उक्त सभी महिलाओं ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांग की है कि पटवारी के इस रवैये से उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए एवं हमें हमारी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। पट्टा भी नहीं है, कुछ नहीं है, 10 साल से मैं घूम रही हूँ, न मेरे आदमी को बराबर दिखता भी नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हो? भौरगढ़ के। सीओ साहब को ज्ञापन दिया गया आपके माध्यम से? दे दिए है। क्या बोले सीओ साहब ने? सीओ साहब ने बोले कि तुम्हारे आंग पे घर गिरता तब आते मेरे पास। ऐसा बोले उनने? हाँ ऐसा बोले। बातें बोलते हैं, भाई बोलते हैं, तुम सरपंच बनोगे तो बोलते हैं, सरपंच बनोगे तो डायरेक्ट अनाज बांटोगे, क्या बोले गांव में क्या बोलते हैं? हम जब हमारे घर में रहेंगे नहीं तो हम बांटेंगे कैसे कि हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं? दीवार पूरी गिली हो गई है, कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, लगा के हुए रहते हैं और हमारा ना कार्ड बन रहा है ना कुछ बना, 10 सप्ताह ना कुछ बराबर। तो आपका मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ है क्या? बाढ़ में नहीं हुआ है। अच्छा, पाल में रहते हम, पहले क्षतिग्रस्त हो चुका है। पीएम आवास में नाम है क्या आपका? नहीं है। पटवारी को, पटवारी से संपर्क किया गया? पटवारी से तो 10 साल हो गए संपर्क ही कर रहे हैं। अभी जो आपने ज्ञापन में क्या उल्लेख किया है, पटवारी ने अभद्रता किया ऐसा कुछ बता रहे हो आप लोग? वो तो बता रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। पटवारी क्या बोल रहे हैं मालूम है? पटवारी बोल रहे हैं कि आपकी इसमें पीडब्ल्यू में है झोपड़ी, तो उसका कोई नहीं है, हम हटा देंगे उसको, फेंक देंगे झोपड़ी बोलते हैं, आपकी झोपड़ी हट जाएंगे बोलते हैं, उसके कोई महत्व नहीं बोलता है, जो हानि हुई बोलते हैं उसका भी कुछ नहीं मिलेगा बोलता है रात को बोले पटवारी ने। आप लोगों को कोई सहायता नहीं मिलने वाली? नहीं, कुछ भी सहायता नहीं मिल रही है अपने को। आपके द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया आज? हाँ आज तो गए थे अपन, पूरे भाई गए थे, पूरे भाई लोग गए थे अपन। और कोई समस्या कलेक्टर के पास भी गए थे? समस्या हमारे यहाँ मकान है तो पट्टा नहीं, जमीन नहीं है, जमीन भी नहीं है, पर झिल्ली बिछा दी है, पूरी दीवार है तो गिली हो गई है, मरने के अलावा कुछ चारा नहीं है, गिरेगा और हमारे अंक ऊपर गिरेगा और मरेंगे तो हमारी जवाबदारी आप लोगे। जी एक, आप जनपद सदस्य और आपके क्षेत्र से कुछ महिलाएं बहुत परेशान नजर आ रही है और बाढ़ से संबंधित है, आप क्या कहना चाहोगे? विगत दिनों में हम सभी लोगों को पता है कि बहुत अत्यधिक बाढ़ आने के कारण और खास करके ग्राम भोरगढ़ में वैनगंगा नदी होने के कारण बाढ़ इतनी अधिक आ चुकी थी कि आज तक इतना भी रिकॉर्ड तोड़ के बाढ़ नहीं आ पाई थी। तो जो हमारी जो गांव की जो सम्मानित अपने अधिकारों के लिए महिला जो कलेक्टर ऑफिस तक गई थी और वास्तविक चीज़ों के लिए अपने अधिकारों को पाने के लिए गए थे कि इतने बाढ़ में हमारे महिलाओं के कुछ लोगों के मकान डूबे हुए थे और कुछ लोगों के मकान पहले से ही समझो टूटे फूटे मकान में कई पन्नियाँ ढाके रह रहे हैं। तो निश्चित ही कलेक्टर ऑफिस से लेकर जिला जनपद के सीओ साहब तक आए थे कि हमको रहने के लिए मकान सरकार की ओर से आवंटित किया जाए, अपनी मांगों को लेकर और अधिकारी को लेकर यहाँ तक ये लोग ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हुए थे और चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे जनपद के सीओ साहब हो, निश्चित ही उन्हें नियम के साथ में और सही गाइडलाइन के माध्यम से इनको जो उन्होंने जो अपनी मांग जो दिए है उनको पूरा करने में उन्होंने सहयोग करना चाहिए। जी कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अब ये जो महिला खैर ज्ञापन देते समय तो मैं नहीं था लेकिन ये जो निश्चित जो बता रहे कि इस प्रकार अधिकारियों ने जो कहा है कि भाई आपका मकान तो स्लेब का है और आप क्या आप डायरेक्ट सरपंच बनेंगे तो क्या राशन दे देंगे, तो ये जो जो बातें हैं निश्चित ही गाँव के ग्रामीण की महिला आते तो निश्चित हम उनको सही रास्ते में और सही गाइडलाइन में हमको बातें करना चाहिए ताकि सामने वाले जो हितग्राही जो लोग हैं वो संतुष्ट हो सके अधिकारियों के माध्यम से।
आंदोलन। पटवारी के बारे में भी कुछ अभद्रता का व्यवहार बता रहे हैं। पटवारी भी नहीं आया, उधर सर्वे करने आया ही नहीं। इसके बारे में कुछ नहीं कि पटवारी ने इनके घरों में आके इनको किस प्रकार का जांच सर्वे किया और क्या इनसे बातों के माध्यम से किस प्रकार से इनसे बातचीत की। तहसील कल्याण जिला बालाघाट खेमलाल मस्कर ग्राम भोड़गढ़ से हूँ मैं। ना मेरे पास में 10 साल से भोड़गढ़ में रह रहा हूँ, मेरे पास ना पट्टा है ना मेरे पास मकान है। अब मैं रह रहा हूँ वास्तविक में पीडब्ल्यू के कब्जा करके। उस समय में मैं कब्जा कर रखे तो मतलब मेरी जो दुकान की हानि हुई, पटवारी से मांगने के लिए गया तो मेरे पति पत्नी दोनों गए, पर पटवारी साहब बोलते कि मैं तेरे को अभी तत्काल आकर तो फेंक दूंगा बोलता है। और मेरी पत्नी थी, पत्नी के सामने वो ऐसा बोलता है कि चमकाने की बात बोले तू अभी चाहूँ तो अभी फेंक दूंगा तत्काल बोलता है। पटवारी के द्वारा कहा गया? हाँ, पटवारी के द्वारा। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का कोई भगत नाम है, किसी ऐसा नाम उसका। अच्छा, वो नाम उसका है भगत पटवारी के द्वारा। हाँ, हाँ, उसके ऑफिस में गए थे हम लोग, पर वो बोलता है कि अभी कुछ करेंगे ज्यादा बार बार आएगा तो हम तेको अभी तत्काल फेंक देंगे, तो मैं रहूँ कहाँ। मेरी प्रशासन से मांग मेरी ये है, ना मेरा पट्टा है ना कोई जमीन है, कोई सरकार कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकती है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे रहने के लिए मुझे मकान चाहिए, कहीं छत चाहिए। आप भूमिहीन हो? भूमिहीन हूँ सब, टोटल कुछ नहीं, मेरे पास दो बच्चे हैं। ग्राम पंचायत भोरगढ़ है। ग्राम पंचायत में जब सर्वे हुआ था तो आपका नाम है उसमें? अभी उसमें नाम है सर, उसमें नाम है आपका। सब समग्र आईडी वगैरह सब टोटल, राशन कार्ड है, समग्र आईडी, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, टोटल पूरा है। मेरे साथ में नाइंसाफी हो रही है। खबर समय जगत के लिए खैरलांजी से कृष्णा बहेटवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.